केन्द्र शासित प्रदेश दमणना दरिया किनारे हजारों उत्तर भारतीय परिवारोए छठ पूजा की उजवणी करी हती। नानी दमण जेटी थी चपली शेरी सुधीना दरिया किनारे विभिन्न पंडालों लगावामां आव्या छे। स्त्रीओ ने पुरुषों कमर सुधीना पाणी में उभा रहीने सूर्यदेव ने अर्घ्य आपी मनोकामना की पूर्ति माटे प्रार्थना करी रह्या छे। दमण प्रशासन द्वारा ट्राफिक कंट्रोल अने इमरजन्सी सेवानी टीमों तैनात करवामां आवी छे। यहाँ छठ मैया को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और इसमें ये जो कार्यक्रम होता है, चार दिन पहले से कार्यक्रम शुरू होता है उपवास का सिलसिला, और ये सूर्य निकलने के अर्घ देने के बाद उपवास छोड़ा जाए गर्म पानी पी के, ऐसा करते हैं। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया से पिछले वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सालों से पिछले वर्षों से जो व्यवस्था यहाँ चल रही है बहुत ही बढ़िया। लाइट की सुविधा, पीने का पानी, चाय की व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ फ्री सुविधा है। सभी श्रद्धालुओं के लिए भारतीय तैलीय साहू राठौर महासभा 2017 से जल की सेवा, चाय की सेवा, सुबह सुबह अर्घ्य देने के लिए गाय की दूध की व्यवस्था करती है। और ऐसे ही पावन पर्व जो हमारा छठ पूजा है, वो भारतीय तैलीय साहू राठौर महासभा के पंडाल से श्रद्धालुगण प्राप्त करते हैं। छठ पूजा की व्यवस्था की जाती है, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सबकी व्यवस्था की जाती है। कलेक्टर से हमें प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मिली है, डीएमसी से व्यवस्था मिली है, पीडब्ल्यूडी से व्यवस्था मिली है।